Hello, curious children. This is fifth lecture of geography chapter manufacturing industries. इस लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे. तो फिर आइए, लेट्स बिगिन. स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से इकोनॉमी ग्रोथ के साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होने लगा है. पूरा एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम आज सबको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है. सबसे पहले बात करते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में. जब अलग अलग फैक्ट्री से बहुत सारी अनडिजायरेबल टॉक्सिक गैसेस को एयर में रिलीज किया जाता है तो एयर पॉल्यूट होने लगती है. इसके एग्जाम्पल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा. इसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है. अब बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में. जब अलग अलग इंडस्ट्रीज का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को वाटर में डंप किया जाता है तब वाटर पॉल्यूट होने लगता है. इसके एग्जांपल्स हैं केमिकल्स, डाइज, सॉल्ट्स एटसेट्रा. और स्टूडेंट्स, इसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ और वाटर क्वालिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है. सर, क्या हॉट वाटर से भी रिवर्स पॉल्यूट होती हैं? बिल्कुल, यही है हमारा थर्ड पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन. जब अलग अलग फैक्ट्रीज के बहुत ज्यादा हॉट वाटर को रिवर्स में डंप किया जाता है तब बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है और ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट होने लगता है. अब बात करते हैं नॉइस पॉल्यूशन के बारे में. बहुत सारी फैक्ट्रीज में जो मोटर्स, मशीन्स और जनरेटर्स जो बहुत ज्यादा लाउड नॉइस क्रिएट करते हैं उससे गुस्सा आता है, ब्लड प्रेशर राइज होता है और हियरिंग इंपेयरमेंट जैसी प्रॉब्लम्स भी राइज हो सकती हैं. सर, तो ओवरऑल इन सब पॉल्यूशंस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज उगाने होंगे. वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ भी चीज डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट करना होगा. थर्मल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें हॉट वाटर को पहले कूल करना होगा और फिर डिस्चार्ज करना होगा. और फाइनली नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स और ईयर प्लग्स को यूज करना होगा. स्टूडेंट्स, ओवरऑल एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए इकोसिस्टम को पॉल्यूट होने से बचाना बहुत जरूरी है. दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. आपके घर के आसपास कौन सी इंडस्ट्री है और वो क्या सारे एनवायरमेंटल लॉज फॉलो करती है? ढूंढिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए. नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे. क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे.